अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, डाउन कॉलर बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से लगाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तो सबसे पहले जो है मैंने कमीज़ का जो है बैक और फ्रंट ले लिया है, और उसके साथ ही जो है मैं आपको सबसे पहले इसके ऊपर के निशान लगाने बताऊँगी चौड़ाई के। तो हम इसकी चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच वैसे नॉर्मल जो है हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं, लेकिन जो है मैं इसमें 3.5 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें इसमें 1 इंच का कॉलर चढ़ाना है, तो वो परफेक्ट आ जाएगा फिर उसके बाद। और हम जो है, तो ये देखें, यहाँ से जो है मैं इसमें 4 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरीके से जो है हम इसमें 4 इंच में इस तरीके से राउंड में, जैसे हम गोल गला काटते हैं इस तरीके से लगा लेंगे। ये वाइट कपड़ा है तो इसलिए जो है मैं इस पर निशान नहीं लगा रही हूँ, फिर भी हल्का सा आपको बता देती हूँ। मैं इसको इस तरीके से हम कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा निशान जो है इस तरीके से आ जाएगा। और पीछे का जो हम काटेंगे सेम इसी के अकॉर्डिंग हम पीछे का भी 1 इंच इधर से लेके और 3.5 इंच वो तो ऐसे ही रहना है पूरा प्रॉपर, और यहाँ से हम 1 इंच का लेके इसको इस तरीके से पीछे का जो है बस इतना ही काटेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से काटेंगे। और इसको भी मैं थोड़ा डार्क करके ये आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो बॉक्स बनाकर काट सकते हैं। मैं कटिंग के निशान पर इसको काट रहे निशान लगा रही हूँ ताकि जो है आपको नज़र भी आ जाए। ये देखिए, तो अब जो हमें इसमें नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, ये देखिए। मैं जो है ना, मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले ली है, हल्की वाली ली है क्योंकि जो है कॉलर फिर चुभता है गले में, तो इसलिए मैंने इसको हल्की वाली ली है। अच्छा, ये ओन फोल्ड साइड जो है, ये देखिए, ये जो ओन फोल्ड साइड है ये मैंने अपनी साइड पर रख ली है, और सामने वाली जो है वो हमारी कट है साइड। तो इस पर जो है हल्का सा मैं प्रेस का हाथ मारूंगी ताकि ये सेट हो जाए थोड़ा सा, और उसके बाद जो है हम इस पर निशान लगाएंगे, क्योंकि फिर अगर ये जो है हिलती है तो फिर ये प्रॉपर सेट नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने इस पर हल्का सा प्रेस का निशान मार लेना है, प्रेस से इसको जो है सेट करके उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने जो है इसको यहाँ से 3.5 इंच का लेना है, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि ओन फोल्ड वाली साइड जो है ये मैंने अपनी साइड रखी है, और जो हमारा यहाँ से है वैसे मुझे प्रॉपर जो अपना काटना है कॉलर, तो वो काटना है मुझे 14 इंच का, लेकिन मैं यहाँ से 4 इंच ले रही हूँ क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो हम उसे कट कर लेंगे, लेकिन अगर छोटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होती है फिर, तो इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच बढ़ा लिया है। तो इधर से जो है हमने इसको इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है निशान लगाने के बाद इसमें ये बॉक्स बनाकर हमने ये शेप वाला निशान लगाया, और शेप वाले निशान के बाद जो है मैंने इधर से 1 इंच बढ़ाकर इसमें, मतलब जैसे ये यहाँ से हमने 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 1-1 इंच नहीं, 1.5 इंच ही लिया है। अगर आपको 1 पे लगाना है या 1.5 पे चौड़ा रखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इस पर जो है इस तरीके से निशान लगा लिया है, और अब मैं जो है अपने निशान पर इसको काटूँगी। तो ये हमने यहाँ से काट लिया है, और इसको भी हम अब अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से ये मेरा कॉलर आ गया। जो ने हल्का सा इसको चिपका लिया था ना, तो वो इसको इस तरीके से हल्के से खोल लेंगे, क्योंकि बहुत हल्का सा मैंने इसे प्रेस से पेस्ट किया था। तो और अभी जो है ये हमारा कॉलर इस तरीके से, देखिए पहले कॉलर दिखा देती हूँ मैं, इस तरीके से कॉलर आ गया ये, और ये मैं अब अपने कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। इस तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, कपड़े पे पेस्ट करने के बाद जो है इसको दूसरे कपड़े पे रखकर इस तरीके से, और हम अब इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, जो हमें सिलाई लगानी है वो हम यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल पेस्टिंग के बिल्कुल बराबर। तो ये देखिए, जो मैंने चौक का निशान लगाया है इस चौक के बराबर से हम सिलाई लगाएंगे, तो इसमें जो है थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा गैप आ जाएगा। तो ये देखिए, जो मैंने चौक का निशान लगाया ना,
तो इसमें कम से कम इतना हमारा पेस्टिंग के बाद निशान आ जाएगा, जिससे कि है हमारा झोल नहीं आएगा। तो ज़्यादा हमें नहीं, एक पैर का नहीं देना है, बस ज़रा सा जितना ये चौक का निशान है बस उतना ही हमें आगे करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई मैंने इस साइड पर लगा ली है, तो अब इसका जो है एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से निकाल देंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद जो है इसमें साथ ही हम कट भी लगाएंगे। तो साथ ही जो है ये कट यहाँ पर हम लगाएंगे, इसमें इस तरीके से सारे कट लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ऐसे सेट हो जाएगा। तो ये सेट हो गया ऐसे, और इसके बाद जो है ये देखिए ये जिस पे मैंने पेस्टिंग की है इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ताकि जब हम इस पे सिलाई लगाएं तो हमें आसानी रहे। इस तरीके से हम इसको पूरा जो है कपड़ा अपना इस तरीके से दबा लेंगे। और ये हम लगाएंगे इसमें कट, ये देखिए ओन फोल्ड साइड से इस तरीके से हम, क्योंकि ये जो हम कॉलर लगाएंगे तो उसके नीचे हम इसको लगाएंगे कट को, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और जो है ये इस तरीके से कट होके ऐसे हमारा आ गया। अब इसको पहले जो है मैं इसको सेट कर लूँगी कपड़े पर, और कपड़े पे पेस्ट करने के बाद इसको कमीज़ में ज्वाइंट कर लूँगी, उसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। तो ये इस तरीके से मैंने लगा के इसको प्रेस वगैरह कर लिया है, ये देखिए ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब इसके बाद जो है मैं इसके कंधे जोड़ने के बाद अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो ये देखिए अब जो है सेंटर में हम इसके मार्क कर लेंगे, और सेंटर में मार्क करने के बाद अब इस पे कॉलर चढ़ाएंगे। तो अब ये देखिए आप ये कॉलर का जो हमारा सेंटर है ये हमने इसको रखा है कपड़े को उल्टी साइड से, ये हमारा उल्टा ऊपर रखा हुआ है मशीन पे, जो रखा है हमने कपड़े को उल्टा ऊपर से रखा है। तो अब ये जो हम कॉलर रखेंगे तो ये भी जो है हमारा देखिए ये वाला साइड जो है इसमें जॉइंट होगा, इस तरीके से हम इसको जॉइन करेंगे, इस तरीके से हम इसको जॉइन करेंगे कि ये हमारा दोनों जो है ये भी उल्टा ही साइड है, और ये वाला जो है हमारा नीचे वाला तो उल्टा ही है, लेकिन ये उल्टा किस तरीके से है कि ये हमारा फ्रंट पे आएगा और ये वैसे कपड़ा जो है हमारा ये सीधा है। तो अब हम इसको इस तरीके से सिलाई करते हुए जाएंगे यहाँ से, और दोनों साइड से प्रॉपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये जो है हमने यहाँ तक की सिलाई लगा ली है जो हमारा नीचे वाला नेक है। तो इसके बाद जो है हम ये इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, ये वाली सिलाई बंद करेंगे यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक बंद करेंगे इसको, ये देखिए ये इस तरीके से हम इसको सिलाई करेंगे, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक हम इसको सियेंगे। और अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे, और इसको इस तरीके से हम किसी भी चीज़ से इस तरह से इसका कोना निकाल देंगे। और ये देखिए अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे पीछे की साइड पर, और इसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे, और सिलाई हमारी यहाँ लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल तैयार हो गया है कॉलर, ये देखिए करीब से भी आपको दिखा देती हूँ।
तो अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।